हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक शॉर्ट मूवी को। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक राजा का साम्राज्य दिखाया जाता है। एक दिन राजा के दरबार में काफी सारे लोग बैठे होते हैं और उन सब के बीच में राजा की बेटी गिटार बजाकर दिखा रही होती है। तभी राजा के हाथ पर एक कीड़ा आकर बैठता है। राजा बार बार उसे भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो कीड़ा जाता ही नहीं है। राजा नोटिस करता है कि वो कीड़ा राजा की मन की बात को समझ रहा है। वो कीड़ा बार बार राजा के एक हाथ से उड़कर उसके दूसरे हाथ पर जाता है। ये देखकर राजा काफी खुश होता है। अपनी बेटी की परफॉर्मेंस को छोड़कर राजा उस कीड़े के साथ खेल रहा होता है। बाद में राजा वहाँ से उठकर अंदर जाता है और उस कीड़े को अपना खून पिलाता है। उसके बाद वो उसे एक कांच के छोटे से बॉक्स में डाल देता है और बार बार उसे देखकर खुश होता है। राजा की जो बेटी है वो अब काफी बड़ी हो चुकी है, यानी कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और वो खुद भी चाहती है कि उसकी शादी किसी राजकुमार से हो जाए। राजा अपना सब काम छोड़कर उस कीड़े के साथ खेलता रहता है। वो अपना टाइम और एफर्ट उस कीड़े पर वेस्ट कर रहा होता है लेकिन वो कीड़ा भी उसे इक्वली रिस्पॉन्स कर रहा था। ऐसे ही काफी टाइम गुजर जाता है। एक दिन राजा अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। उसकी बेटी उसे बताती है कि वो अब इस घर में खालीपन महसूस करती है तो वो अब शादी करना चाहती है। राजा उसे बताता है कि वो जरूर उसकी पसंद का एक लड़का ढूंढकर उसकी शादी कराएगा और फिर वो वहाँ से उठकर अपने रूम में आ जाता है और उस कीड़े को मांस खिलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कीड़ा पहले से भी काफी बड़ा हो चुका है। वो राजा का फेवरेट पेट बन चुका है। कुछ दिनों बाद अचानक से उस कीड़े की तबीयत खराब हो जाती है। राजा जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर खुद उस कीड़े को देखकर हैरान हो जाता है। उसी टाइम वो कीड़ा अपनी आखिरी सांसें लेकर मर जाता है। ये सब देखकर राजा काफी जोर से रोने लगता है। कुछ दिनों बाद राजा वापस अपनी बेटी की तरफ ध्यान देना शुरू करता है। वो एक स्वयंवर का आयोजन करता है जिसमें वो उस कीड़े की खाल को लटका देता है और कहता है कि जो भी आदमी सही सही बता देगा कि ये कौन सी जानवर की खाल है उसी से राजकुमारी की शादी करा दी जाएगी। स्वयंवर में काफी दूर दूर से विद्वान आते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये एक जंगली सुअर की खाल है और वो लाइन से बाहर हो जाता है। ऐसे ही काफी सारे लोग लाइन से बाहर हो जाते हैं। फिर एक जवान लड़का आता है, राजकुमारी को वो पसंद आ जाता है। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे इसी से शादी करनी है लेकिन राजा अपनी दी गई शर्त पर ही खड़ा रहता है। औरों की तरह वो लड़का भी गलत जवाब देता है और स्वयंवर से बाहर हो जाता है। फिर वहाँ एक राक्षस आता है, वो भी स्वयंवर में हिस्सा लेता है। गार्ड्स उसे पकड़कर वापस बाहर निकाल रहे होते हैं लेकिन तभी राजा उन्हें रोकता है और उस राक्षस को भी ट्राई करने का मौका देता है। राजा को लगा था कि कोई भी सही जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि वो खाल एक कीड़े की थी, लेकिन राक्षस वहां आकर उस खाल को सूंघता है और फिर सही जवाब दे देता है। ये सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा की बेटी वहां से भाग जाती है और ऊपर किले की दीवार पर खड़ी हो जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस राक्षस के साथ नहीं जाएगी। राजा कहता है कि वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता है। अपने पिता की इज्जत के खातिर राजकुमारी उस राक्षस के साथ जाने को राजी हो जाती है। वो राक्षस उसे अपने साथ ले जाता है। पैदल चलते चलते राजकुमारी थक जाती है तो वो राक्षस उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है। वो उसे एक गुफा में ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ पड़ी होती हैं। वो राक्षस उसे एक जानवर का कच्चा मांस खाने को देता है लेकिन राजकुमारी उसे खाने से मना कर देती है। अगले दिन राजकुमारी को दूसरी पहाड़ी पर एक औरत दिखाई देती है। राजकुमारी वहां से भागने के लिए उस औरत से मदद मांगती है लेकिन वो औरत उससे कहती है कि आज वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। वो कहती है कि कल वो अपनी फैमिली के साथ आएगी तब वो उसकी मदद करेगी, तो तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा। राजकुमारी पूरी रात सो नहीं पाती है, उसे बस कैसे भी करके वहां से भागना था। अगली सुबह उसी औरत का बेटा वहां आता है। वो राजकुमारी को उठाकर दोनों पहाड़ियों के बीच की रस्सी पर चलने लगता है।
ये रस्सी उन्होंने पहले ही बांध दी थी। राक्षस को उन लोगों की स्मेल आ जाती है। वो बाहर आकर देखता है और जोर से चिल्लाने लगता है। वो भी उसी रस्सी पर लटक कर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। राजकुमारी दूसरी तरफ पहुंच जाती है और तभी वो लोग उस रस्सी को काट देते हैं, जिससे राक्षस नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग राजकुमारी को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, तभी वो राक्षस उनके पास आता है और एक एक करके उन सबको मारने लगता है। राजकुमारी और बचे हुए दो लोग वहां से भाग जाते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं। वो राक्षस उन्हें ढूंढता हुआ आता है तो वो लड़का बड़ी चालाकी से उस राक्षस को जला देता है, लेकिन जैसे तैसे वो राक्षस अपने ऊपर लगी आग को भुजा देता है और उसके तुरंत बाद वो उस लड़के को मार देता है और उसके बाद वो उसकी माँ को भी मार देता है। राजकुमारी फिर से भाग जाती है, लेकिन भागते भागते वो इस बार ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहाँ पर आगे कोई रास्ता नहीं होता है। वो राक्षस वहाँ आकर राजकुमारी को मारता है, लेकिन राजकुमारी अपनी जान बचाने के लिए उस राक्षस से प्यार करने का दिखावा करती है, जिससे वो राक्षस शांत हो जाता है और उसे ये सब सच लगने लगता है। राक्षस राजकुमारी को अपनी पीठ पर बैठने को बोलता है और तभी राजकुमारी उस राक्षस का गला काट देती है, जिससे वो राक्षस मर जाता है। अगले सीन में वही राजा दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है। उसे खबर मिलती है कि उसकी बेटी आई है। ये सुनकर वो तुरंत आकर अपनी बेटी को देखता है। उसके हाथ में उसी राक्षस का सर था। अपनी बेटी की इस हालत पर राजा रोने लगता है और उससे माफी मांगता है। फाइनल सीन में दिखाया जाता है कि राजा ने अपना साम्राज्य अपनी बेटी के नाम कर दिया है। सबके सामने राजकुमारी को ताज पहनाकर साम्राज्य की रानी घोषित कर दिया जाता है और यहीं पे ये शॉर्ट मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए वेगांतिस को सब्सक्राइब भी कर लेना।